हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ irinka.com। आज हम आपको दिखाएंगे प्रिसिवल स्पोर्ट्स का SP60 एरीज। दिस इज 420 FPS, 0.177 कैलिबर। जो इससे पहले हमने आपको दिखाया था इसका एयर पिस्टल प्रिसिवल स्पोर्ट्स का, दैट वाज MP60 नाइट्रो मिशन एयर पिस्टल। दिस इज SP60 जो अब पहले आता था स्प्रिंग पिस्टन के अंदर। ये अब बहुत ज्यादा डिमांड में था तो कंपनी ने वापस फिर से एक बार इसको लॉन्च करा। आइए मैं कुछ पहले स्पेसिफिकेशन बताता हूँ क्या क्या है। पावर सोर्स स्प्रिंग पिस्टन, मैकेनिज्म ब्रेक बैरल, कैलिबर वही सेम अपना 4.5 mm, 0.177 कैलिबर, वेलोसिटी 128 mph, टोटल लेंथ 325 mm, वेट 990 ग्राम्स है इसका, एक्शन सिंगल शॉट, आपको हर टाइम इसको लोड करना पड़ेगा। ये देखिए राइफल्ड बैरल, इंटीग्रेटेड डवटेल, एडजस्टेबल मेटल साइड्स, ये आपको दे रखा है क्रॉस बोल्ट सेफ्टी, इम्प्रूव्ड मल्टी लेवर, टू स्टेज ट्रिगर होता है इसका। आइए अब आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये कॉरुगेटेड बॉक्स में आता है। इसके बॉक्स में यूजर मैनुअल होता है। मैं हमेशा अपने कस्टमर से बोलूंगा कि जब इसको आप यूज करो उससे पहले आप ये यूजर मैनुअल जरूर पढ़ें। कुछ सैंपल पहले से होते हैं और इसका ये इजी लोडर होता है पिस्टल को लोड करने के लिए। अभी दिखाएंगे हम इसका आपको यूज कैसे करना है। ये देखिए प्रिसिवल स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग है SP60 एरीज। ये फ्रंट साइड है जो ये फाइबर है, ये मेटल साइड होती है रियर साइड। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल फाइबर। मेड इन इंडिया, प्रिसिवल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए जो इसका इजी लोडर होता है इसको आप लोड कैसे कर सकते हो ताकि साइड जो उसकी आपकी जो ना टूटे एयर पिस्टल की। ये देखिए ये इजी लोडिंग के लिए आपको दिया गया है। इसके अंदर ये ऑटो लॉक हो जाता है जैसे इसकी प्रिसिवल स्पोर्ट्स की सारी ए राइफल्स होती है। आपको इसको यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा। ये देखिए बहुत अच्छा प्रेशर है इसका भी। आप अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो मैं आपको जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो अब आपको मैं इसकी नेक्स्ट व्यू दिखाऊंगा, आपको इसी एयर पिस्टल की दिखाऊंगा, वो वुड फिनिश में आएगा और एक केमो फिनिश में आएगा। सेम एयर पिस्टल है जिसका स्टॉक है, दैट इज केमो फिनिश एंड वुड फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you guys for watching the video and do subscribe to my YouTube channel. Thank you.